नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज के डेट में सबसे ज्यादा बिहार के लिए खास तौर पे किस चीज की जरूरत है? रोजगार की। बेरोजगारी सबसे बड़ी बीमारी है और इस बेरोजगारी को यदि आप दूर करना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार आपके पास मौका आ रहा है, बिहार SSC। भाइयों, बिहार SSC में 12,199 सीट है और इस 12,199 सीट के लिए लगभग प्री में 1,00,000 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। तो यदि आप सही तरीके से 3-4 महीने बाद होने वाला है यह पेपर, सही तरीके से कमर कसकर तैयारी करेंगे तो बहुत आराम से आप बिहार SSC को निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं होता है। दो चीजों का काम है, पहला कि आपको स्ट्रेटजी पता हो और दूसरा प्रैक्टिस। इन दोनों को कॉमन तरीके से लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। और आप जानते हैं ना कि बेहतर तरीके से सफलता को पाने के लिए जो सफल व्यक्ति है वो बेहतर रणनीति बताता है। तो इसलिए राहुल सिन्हा सर के नेतृत्व में बहुत ही शानदार तरीके से दिल्ली और पटना के शिक्षकों की टीम आ रही है जो आपको प्रैक्टिस और थियोरी क्लासेस दोनों बताएगा और आपको बताएगा कैसे आप इस एग्जाम को 3 महीने के बाद निकाल सकते हैं। 3-4 महीने में पेपर होने वाले हैं, 3 महीने में हम लोग आपको ये थियोरी के साथ प्रैक्टिस करा देंगे और अब आपको इस कैपेबल बना देंगे, बहुत आराम से आप 12,199 वाले लिस्ट में आ जाएंगे। आइए थोड़ा सा हम इसके प्रीवियस ईयर के सेक्शन को देखेंगे, क्वेश्चन का सीरीज क्या होता है। तो जानते हैं आप, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग। सामान्य विज्ञान भी सामान्य अध्ययन का ही हिस्सा है, आप तो जानते ही हैं, गणित और रीजनिंग कॉमन चीज है, ठीक है। अब आइए अगला चीज देखते हैं, क्वेश्चन 2018 में कैसे पूछा गया था। बेसिकली हम लोगों ने जो प्लानिंग किया है वो प्लानिंग ही इस तरीके से किया है कि क्वेश्चन किस माह में, यानी पिछले साल किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछने का हायरार्की क्या है, उसी के हिसाब से हमने नोट्स, MCQ, प्रैक्टिस, थियोरी क्लासेस को डिजाइन किया है जो राहुल सर खुद अपने निर्देशन में कराए हुए हैं, है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से है? मैथ्स, रीजनिंग और हिस्ट्री, करंट अफेयर, ये 4 सेक्शन है। तो हम लोगों ने इन 4 सेक्शन के वेटेज को ज्यादा रखा है अपने क्लास में। उसके बाद साइंस है, यानी रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, और उसके बाद राज्य व्यवस्था और भारत का भूगोल। तो इन सेक्शन के हिसाब से ही हम लोगों ने अपने क्लास के थियोरी क्लास को क्या किया है, सजाया है। आइए आप देखते हैं कि इस क्लास में आपको क्या क्या होने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2 सामान्य हिंदी जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है इसकी जानकारी होगी ही आपको। पेपर 2 जिसके दम पर आपका क्या होता है भाई, जिसके दम पर आपका सिलेक्शन होता है, हम लोग इस पे खूब जोर देकर आपको कराने वाले हैं। बैच भाइयों यही है, इस बैच का प्राइस 2,500 था लेकिन हम लोगों ने इस 2,500 को कम करके 501 रुपया किया हुआ है। 3 महीने इस बैच का ड्यूरेशन है भाइयों, 3 महीने के अंदर हम लोग 25 अगस्त से इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें प्री और मेंस दोनों के थियोरी क्लासेस और प्रैक्टिस MCQ दोनों कराएंगे और उसके बाद हम आपको रोजगार वाले लाइन में खड़ा करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे, पहला। दूसरा बात यह है कि सबसे जो खास बात इस बैच की यह होगी कि राहुल सर आपका वीकली हर वीक में आपका टेस्ट लेंगे, वीकली एनालिसिस करेंगे और मंथली कि आप में इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि इंप्रूव हो रहा है तो कहां अच्छा है और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, किस सब्जेक्ट में आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे, आखिर प्रॉब्लम कहां आ रही है, इन सब को लेकर सर हर सैटरडे और संडे आप सबका मेंटरशिप करेंगे, आपको बताएंगे कि हाउ टू इंप्रूव योर मार्क्स एंड क्या क्या आपको कमी है। क्योंकि देखिए इस एग्जाम में ना बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा नहीं कि बहुत टॉप चीज करना है, करना यह है कि आपको जहां जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है उस सेक्शन पे अपने आप को इंप्रूव करना है और स्कोर को ठीक करना है। आइए 25 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, यदि आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और SRS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, SRS क्लासेस एप्लीकेशन को। और दूसरा बात कि इससे कोई समस्या आ रहा है तो एक नंबर है 9241575745570, इस नंबर पे आप कॉल करके इस बैच की पूरी जानकारी को आप ले सकते हैं। भाई 25 अगस्त से ही ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, मिस मत करिएगा। हम लोगों ने यह तय किया है कि मात्र 200 स्टूडेंट इस बैच में रखेंगे और उन 200 स्टूडेंट्स का इस तरीके से मेंटरशिप करेंगे कि एकदम उनका प्रैक्टिस थियरी क्लास दोनों हर वीकली एनालिसिस मंथली एनालिसिस करके कराया जाए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना है, समझ गए। तो चलिए फिर मिलते हैं क्लास में।